मेरा नाम रमेश प्रसाद कुशवाहा है। मैं नजाही बाज़ार बिजली घर पे कैशियर का कार्य करता हूँ और वहाँ से मैं कैश लेके पीएनबी हेड ब्रांच तुवन मंदिर के सामने है, जो उसमें 1,73,802 रुपये में लिए था, जिसमें मेरी बैग लेके मैं बैंक में लगा, लाइन में करीब 5-6 लोग मेरे आगे खड़े हुए थे। तो मेरे आगे एक कस्टमर खड़े हुए थे जिनके पास 25-26-27 गड्डी थी करीब, इतना मैं देखा। बस मैं इतना उनके सामने इतना झुकने के लिए देखा कि उनकी गड्डी कितनी शेष और रह गई हैं। इतना मैंने हेड कैशियर जो बैंक में पैसा जमा कर रहे थे उनकी तरफ देखा कि कितनी गड्डी इनकी शेष रह गई हैं, मैं अपनी गड्डी निकाल के भी ऊपर रख लूँ। जब तक मैं थोड़ा सा अंदर हेड कैशियर की तरफ नज़रें मैंने वहाँ पर झुकाई और पता लगा कि वो मेरा बैग, मैंने जब मैंने देखा नीचे पलट के तो बैग वहाँ पर गायब था। मैं बाहर तक भी गया, फिर मैनेजर से जाके मैंने कहा कि सर जी मेरा बैग यहाँ पर रखा था और ऐसा ऐसा है कि वहाँ से बैग मुझे मिल नहीं रहा है, आप थोड़ा सीसीटीवी कैमरे में देखें। अभी एक सेकंड की बात है, अभी मैं तुरंत देख के गया। मैनेजर साहब कह ले आप एक काम करिए, 100 नंबर को फ़ोन करिए। मैंने 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर मेरे पास आई तो 100 नंबर से हमारी बात हुई है। वो कह ले आप ऐसा करिए, थाने जाइए, थाने में जाके आप लिखित में सूचना दीजिए। ये लोग एक बच्चे की उम्र है करीब 14 साल के लगभग है, और एक मेरे पीछे खड़ा हुआ था, काली जैकेट पहने हुआ था एक सच, जो हमारा एक परिचित का था, एक नेहरू नगर का। तो उसने देखा कि आपके बैग को पहले उठा रहा था, तो मैंने कहा पीछे से कोई धक्का लगा होगा, लाइन लगी रहती है, धक्का लग गया होगा, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। फिर वो लाइन में लगा रहा, उसने एक बच्चे को बुलाया, एक छोटे बच्चे को जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। मैंने उस पर गौर नहीं किया कि बच्चा आया हुआ किसी के साथ में, इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बैग उतार के नीचे जैसे रखा ही है, मैंने कि अपना पैसा निकाल के देखा, वहाँ देखा कि बैग गायब, जब तक मैं गड्डी देखने लगा।